अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। ये आए हैं जी हमारे घर नेबर से अंगूर। उन्होंने घर में अपने बेल लगाई हुई है और ये उनके होम ग्राउंड ऑर्गेनिक जो है ना वो ग्रेप्स हैं, और ये उन्होंने हमें भेजे हैं। बहुत ही मज़े के स्वीट एंड सार सा इनका टेस्ट था, बहुत ज़बरदस्त, मतलब बिल्कुल फ्रेश थे। और जी एक बात हुई कि इनको खाने से ना मेरे एकदम से दांत में दर्द स्टार्ट हो गया था, पता नहीं अब इनकी वजह से था या फिर कोई और वजह हो सकती है। खैर जी, एनीवे है, बड़े मज़े के थे। तो जी मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठे, और सुबह उठते ही मुस्कान ने मुझे बोला था कि मामा उसको खाने हैं पराठे, आज पराठे बना लिए। और थोड़ा सा हम लोग लेट उठे थे तो फिर जी मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, तो काफ़ी थोड़ा सा लेट हो गया था, तो फिर मैंने सोचा यही कि लंच एंड ब्रंच मतलब मिक्स करके हो जाएगा। और बस सिंपल यहाँ पे मैंने आलू बॉईल किए हैं और उनको हल्का सा मैंने पहले स्लाइस कर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे फोक से इनको थोड़ा सा कर रही हूँ जी मैश। वैसे तो सबको ही बनाना आते हैं आलू के पराठे, कोई ख़ास इसमें लॉजिक नहीं है, ख़ास इसमें कोई बात नहीं होती, लेकिन ये है कि चलो मेरे तरीके से भी आप लोग देख लें कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। वैसे मेरे बच्चों को जो है ना वो मेरे हाथ के पराठे पसंद नहीं है, माँ के हाथ के पराठे पसंद नहीं है, माँ की माँ के हाथ के पराठे पसंद हैं उनको ना। मेरी अम्मी जो बनाती है ना तो उनको वो बहुत पसंद आते हैं, वो कहते हैं कि उनकी नानो जो है ना वो वर्ल्ड के बेस्ट पराठे बनाती हैं। तो जी यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने आलू के अंदर बाकी सारी चीज़ें डाल दी हैं, थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाली हैं चार, और साथ ही मैंने थोड़ा सा ये अनारदाना डाला था, और अभी ये मैं क्रश चिली यानी कि चिली फ्लेक्स जो हैं वो मैंने ऐड किए हैं। साथ ही मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है, और अभी डाल दी हूँ थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा मोटा कुटा धनिया है रोस्टेड, और साथ में थोड़ी सी अजवाइन। यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा ज़ीरा, भुना कुटा हुआ ज़ीरा, एंड जस्ट इसको मिक्स करके ये हमारा मिक्सचर जो है ना वो रेडी हो गया है पराठों के लिए। तो जी यहाँ पे मैंने सिंपल डो के बॉल बना लिए हैं छोटे छोटे, जैसे जिनको हम पेड़े भी बोलते हैं, और इनको मैं हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा फ्लैट कर रही हूँ। बस थोड़ा सा इसको फ्लैट करूँगी और फिर इसके ऊपर फिलिंग लगाऊँगी मैं, जो मैंने स्टफिंग इसकी बना के रखी है आलू की। तो जी सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मैं लगाऊँगी देसी घी, इससे क्या होता है कि क्रिस्पी बनते हैं, इसके अंदर भी लगाएं, ऊपर लगाने से भी होता है कि थोड़े से क्रिस्पी अगर करना चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा उसको हल्की आंच पे थोड़ा कुक करते रहें तो वो क्रिस्पी हो जाते हैं। बट अगर आप ये वाला ट्राई करेंगे ना कि इसको बना के इसके ऊपर लगाएंगे घी, तो इससे जो है ना वो ज़्यादा क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। और यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, और इससे ना बच्चों को पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर देसी घी लगा हुआ है। पता क्या होता है कि जब मैं तवे के ऊपर लगाती हूँ ना तो स्मेल एक धुआं सा उठता है जो देसी घी के अंदर से मक्खन या फिर उसका, तो वो टेस्ट और वो स्मेल उनको पसंद नहीं है। तो ये देखें जी यहाँ पे मैंने दो लिए हैं मैंने पेड़े, और उनके साथ मैंने ना उसके अंदर फिलिंग लगा के और उनको जो है ना बंद कर दिया, मैंने बंद ही कर दिया मैंने उसको। खैर जी ये देखें यहाँ पे ऊपर मैंने उसको किया है रख के, और फिर इसके एजेस जो है ना इसको अच्छी तरह से सिक्योर करना है ताकि फिलिंग जो है ना इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आए, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि इसके किनारे जो है ना वो एक तो बिल्कुल पराठे के बराबर हो जाते हैं, मोटे नहीं रहते हैं, तो जो इसकी फिलिंग है ना वो भी बहुत अच्छे से अंदर जो है ना वो सेट हो जाती है। खैर जी यहाँ पे मैंने तवा रखा है, और सिंपली मैंने इसको रोटी की तरह करके, मैं ना बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ बेलन का, और यहाँ पे मैंने बस जस्ट उसको रोटी की तरह बेल के और मैंने तवे पे डाल दिया। तो जैसे कि मैं बता रही थी आप लोगों को कि तवे के ऊपर जब हम घी लगाते हैं ना तो उसकी एक स्मेल सी उठती है धुआं सा, तो वो बच्चों को नहीं पसंद है, तो मैं इसलिए यहाँ पे दूसरा वाला घी लगा रही हूँ, लेकिन इसके अंदर मैंने देसी घी लगाया है। और जब मैं इसको बिल्कुल कुक कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से दोनों साइडों से, और जब मैं इसको उतार लूँगी बिल्कुल, तो फिर इसके ऊपर से भी मैं थोड़ा मक्खन की तरह जैसे ऊपर लगाते हैं ना वैसे भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें जी मैंने इसको कर रही हूँ कुक, और इसको ना अच्छी तरह से करना है क्योंकि मैंने हल्की आंच की हुई है और मैंने इसको क्रिस्पी करके जो है ना वो रेडी किया है। तो
अजवाइन के साथ भी जो इसका टेस्ट है ना, आलू का और बाकी जो सारे मसाले हमने डाले हैं ना, उसका भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और ये काफ़ी वैसे ही जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि काफ़ी लेट हो गया था, तो बच्चों को भी वही भूख लगी हुई थी, 12:30 1 हुई होने वाला था तकरीबन, काफ़ी लेट भी उठे थे और फिर वो आलू वगैरह सारा करते कराते जो है ना वो काफ़ी टाइम हो गया था। और यहाँ पे ये देखें जी, मैंने दो अलग अलग तरह की मैंने बनाई है, दही के साथ ही मैंने इसको मिक्स कर दिया था और दो जगह पे डिवाइड करके एक के अंदर मैंने थोड़ा सा ना कचूमर सलाद जो है वो उसको मिक्स कर दिया था। और ये हो गया जी हमारा ब्रंच रेडी, बहुत मज़े के बहुत यमी बने थे। तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आपका भी यही तरीका है आलू के पराठे बनाने का, या फिर मैं अलग से, मतलब मेरा तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने इसके अंदर प्याज, सब्ज़ मिर्च, धनिया और टमाटर भी डालती हूँ। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो प्याज और टमाटर बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसकी बहुत ही बारीक सी लेयर जो है ना वो बनी है। खैर जी, ये देखें यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक फेरी गार्डन आइडिया का छोटा सा एक क्लिप, जो मेरा मेन चैनल है फेरी गार्डन आइडिया, उस पर मैंने शेयर किया था और साथ ही मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे भी आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप यहाँ पे भी देखें और बताएं मुझे आपको कैसा लगा है। और अगर आपको पूरा इसका ट्यूटोरियल देखना है तो आप मेरे मेन चैनल पे जाकर देखिएगा, तो उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और ये है जी टाइम अनबॉक्सिंग का। यहाँ पर मैंने ना एक ऑर्डर किया था जी ऑयल, तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने रिकॉर्ड किया था और मैंने यही सोचा था कि अगर मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला इस ऑयल का, तो फिर मैं आपके साथ इसका रिव्यू कह लें मैं शेयर करूँगी, वरना अदरवाइज़ मैं इसको ना मतलब नहीं करूँगी शेयर आपके साथ। खैर जी, पैकिंग देखें थोड़ी सी हो गई है इस तरह से, और 15 दिन हो गए मेरे घर में, ज़्यादा दिन हो गए, 15-16 दिन हो गए होंगे इसको आए हुए। और दो दफ़ा मैंने इससे पहले यूज़ किया था और एक दफ़ा मैंने पहले भी यूज़ किया है। तो ये आया है जी चिल्ड्रन प्योर की तरफ से, इसका मैंने रिव्यू देखा था कहीं पे, और वहीं से मैंने लिंक पे जाके तो ये ऑर्डर किया था। ये है जी रेड अनियन एंड ब्लैक सीड्स ऑयल, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और हलाल। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने यही सोचा था कि अगर मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला तो मैं ही इसको किसी भी अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी, वरना नहीं शेयर करूँगी। तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे हेयर फॉल की जो है ना वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले मुझे कभी भी कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं रही हेयर के साथ, लेकिन इसको मैंने यूज़ किया है 3 times और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है इसका। तो चिल्ड्रन प्योर की तरफ से है और बिल्कुल ऑर्गेनिक है, किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसमें। सो जी, वो मैंने एक रिव्यू आपके साथ शेयर किया है, और ये मैं यहाँ पे अपने कपड़े जो है ना वो सिलाई कर रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मुझे 3-4 दिन से मैं लगी हुई हूँ, और ये ड्रेस जो है ना वो मेरे से कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको इसका रीज़न बताती हूँ कि ये जो स्टाइल है ना, जो मैं इसका ट्राउज़र पे बना रही हूँ, ये बहुत छोटा मैंने स्टार्ट कर लिया था। ये देखिए आप, बॉक्स बिल्कुल 1/2 inch के बॉक्स हैं, और ये पूरा, ये 2 पट्टियाँ बनाने में मुझे 1.5 दिन लग गया था। मतलब मैं जैसे ही लंच वगैरह ख़त्म करके बैठी थी और मैं इसको बनाना स्टार्ट हुई हूँ, शाम हो गई थी, और ये बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुआ था। खैर जी, ये इसका मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसको, इसका कंप्लीट जब हो जाएगा। तो जी, यही है मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।